हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द स्पेशल किचन। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। हम वैसे तो आलू घर में बनाते हैं, लेकिन जो छिलके होते हैं हम फेंक देते हैं। मैं उन छिलकों से रेसिपी आपको आज बताने जा रही हूँ। ये मैंने छिलके काट के रखे हुए हैं, मैं इसको एक बाउल में ले लूँगी। मैंने एक बाउल में ले लिए ये छिलके। इसमें अब मैंने कूट के रखी हुई है ये काली मिर्च का पाउडर जैसा बना दिया है, वो डालूंगी मैं। और मैंने इसमें ऑरिगेनो डालूंगी। और चिली फ्लेक्स में डालूंगी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसमें। अब मैं एक दूसरा बाउल लूंगी। अब मैं एक दूसरा बाउल ले लेती हूँ। इसमें मैं मैदा डाल लेती हूँ। 2 चम्मच मैंने मैदा डाल लिया और 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डाल लेती हूँ। इसमें मैं आप थोड़ी सी नमक डाल लेती हूँ, आपको टेस्ट अनुसार आप डाल लीजिएगा। थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्ची डालूंगी। अब इसमें मैं पानी डाल लेती हूँ और इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं। थोड़ा सा और पानी डालती हूँ मैं इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो ये हमारा घोल तैयार है। अब हम इसको जो हमने छिलके काट के रखे हुए हैं उसमें डालेंगे। अब इसमें डालते हैं इसको। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ था और ये अच्छे तरीके से गरम भी हो चुका हुआ है। तो चलिए मैं इसमें अब फ्राई करती हूँ। मैं अब एक एक करके इसमें ये डालती जाऊँगी। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी भी। चलिए मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। इसी तरह बाकी बचे हुए भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। एकदम क्लाउड नहीं करना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। ये मैंने फ्राई करके रख लिए हैं सारे। अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी थोड़ा सा और इसको मैं अब एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो मैंने ये एक प्लेट में सर्व कर लिया हुआ है। इसको मैंने सॉस भी यहाँ रखी, हम सॉस के साथ इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं, क्रिस्पी हैं काफ़ी ये। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।